पिछले वीडियो में हम लोग लोगों के कुछ कमांड और मैथ के भी हम लोग कुछ ऑपरेशंस के बारे में हम लोग देखे थे, जो उसका बेसिक ऑपरेशन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इस वीडियो में हम लोग मैथ के ही कुछ स्पेशल फंक्शंस को लोगों में कैसे यूज़ करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कमांड है राउंड। तो इसके लिए आप लोग से बताया गया था कि एक कमांड हम लोग यूज़ करते हैं सो। सो क्या कमांड क्या करता है कि ये जो सो कमांड है ये आपको MSW लोगों में ही काम करता है, PC लोगों में सो नाम के कमांड का कोई यूज़ नहीं है। तो सो कमांड हम लोग किसी भी ऑपरेशन या फिर जो कमांड हम लोग यूज़ करते हैं उसका जो रिज़ल्ट आता है, आउटपुट जो आता है उसको डिस्प्ले कराता है आउटपुट बॉक्स में। तो सो लिखते हैं हम लोग सबसे पहले, उसके बाद हम लोग टाइप करते हैं राउंड, उसके बाद कोई नंबर लिखते हैं। जैसे यहाँ अगर हम लोग लिख रहे हैं 48.85, तो इसको राउंड कर देगा। राउंड जो इस राउंड कर देगा यानी नियरेस्ट जो इंटीजर है विदाउट फ्रैक्शन उसमें बदल देता है। तो अगर पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद 5 या उससे ऊपर है तो वो नेक्स्ट इंटीजर में चला जाता है, अगर उससे कम है तो क्या होता है कि जितना इंटीजर है वो उसी में रहता है, उसको राउंड ऑफ बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जैसे कि पॉइंट डेसिमल जो है वो 5 से ज़्यादा है, 0.85 है, तो इसको जैसे ही आप इंटर या एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या इसका आउटपुट आपको दिखाएगा, आंसर आ गया 49। ठीक है, इसका एक और देखते हैं। जैसे सो लिखे राउंड, राउंड लिखते हैं और यहाँ लिखे 74.49। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो है 4 है, अभी बताए 5 या उससे ऊपर रहता है तो वो नेक्स्ट इंटीजर में बदल जाता है, अगर उससे कम है तो क्या रहता है, जितना उसका इंटीजर पार्ट है वो उसी में रह जाता है, वो राउंड ऑफ हो जाता है। तो इसको जैसे ही इंटर करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 74। क्लियर। नेक्स्ट जो कमांड है वो है स्क्वायर रूट, यानी हम लोग लोगों की मदद से स्क्वायर रूट भी किसी नंबर का निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम लोग सो टाइप किए, उसके बाद स्क्वायर रूट का कमांड होता है SQRT विदाउट स्पेस। तो स्क्वायर लिखे, उसके बाद हम लोग कोई नंबर लिखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 81 जो है वो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट 9 होता है, तो इसको जैसे ही इंटर करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 9, यानी 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर यानी 9 का स्क्वायर निकालने पर 81 आता है। तो 81 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 9 होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर भी जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, जैसे कि सपोज़ करते हैं 52, तो 52 को भी अगर देखते हैं तो इसका डेसिमल वैल्यू के साथ आपको यहाँ पर आंसर डिस्प्ले होगा। फिर नेक्स्ट कमांड की ओर देखते हैं, इंट। ये इंट कमांड क्या करता है, जैसे ये डेसिमल अभी जो हम लोग यूज़ किए 48.85, 74.49 या 7.21, तो इस टाइप के जो भी फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं इस नंबर को उस नंबर में से जो इंटीजर वाला पार्ट है डेसिमल वाले पार्ट को छोड़ करके, इसमें जो होता है ये डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट होता है इसको डेसिमल पार्ट बोलते हैं और उससे पहले जो होता है उसको हम लोग इंटीजर पार्ट बोलते हैं। तो जो इंटीजर पार्ट है उसको अलग करता है, एक्सट्रैक्ट कर देता है। तो जैसे उसी नंबर को अगर हम लोग लिखते हैं 74.49, तो इसमें जो इंटीजर पार्ट है वो 74 है और जो डेसिमल पार्ट है वो 49 है। तो इसमें जो इंट नाम का जो कमांड है वो कमांड आपको सिर्फ इंटीजर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसका एक और देखते हैं, सो लिखे इंट लिखे 85.89। क्लियर, तो यहाँ भी जो है इंटीजर पार्ट है वो 85 है और डेसिमल पॉइंट 89 है। तो इसका भी जब हम लोग डिस्प्ले करेंगे इसका आउटपुट 85 ही आएगा। अगर इसी चीज़ को राउंड में यूज़ करते तो इसका आंसर 86 आता, क्योंकि वहाँ पर डेसिमल पार्ट में जो नंबर होते हैं उस नंबर के अकॉर्डिंग इंटीजर पार्ट आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर 85 होगा। क्लियर, इसके नेक्स्ट जो कमांड हम लोग देखेंगे वो कमांड है ABS। ये क्या करता है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है किसी भी फ्रैक्शन वाले नंबर का, डेसिमल जो नंबर है उसमें से, या फिर आपको जो नंबर है उस नंबर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू निकालता है। जैसे 85 अगर सपोज करते हैं तो 85 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो 85 होगा, ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 85 ही होगा। लेकिन इसी के जगह पर अगर हम माइनस
67 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि ये माइनस ये जो नंबर है ये माइनस में है, निगेटिव नंबर है, इसका जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वो 67 होगा। ठीक है, तो इंटर करेंगे या एग्जीक्यूट बटन है, इस एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे या फिर इंटर बटन पे इंटर करेंगे तो आपको वहाँ पर आंसर डिस्प्ले होगा 67। क्लियर। इसके बाद अगला जो कमांड है वो है काउंट। काउंट कमांड क्या करता है कि जो इस वर्ड के बाद, जैसे कि आप लोग को बताया गया था कि कोई भी कमांड हम लोग लिखते हैं तो उसका एक सिंटेक्स होता है जिसकी मदद से हम लोग कमांड को कैसे लिखते हैं वो जानते हैं। तो इसके बाद का जो सिंटेक्स होता है कि काउंट लिखते हैं और उसके बाद कोई टेक्स्ट लिखते हैं, यानी कोई कुछ भी हम लोग टाइप करते हैं तो उस टेक्स्ट में कितना कैरेक्टर है उसको वो काउंट करता है। तो जैसे यहाँ लिखे काउंट लिखे डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड के बाद जो भी आप लिखेंगे, जैसे हम अभी टाइप किए वर्ड WORD काउंट वर्ड, तो वर्ड को ये काउंट करेगा। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा एक ही होता है, क्लोज नहीं होगा, ये इसका सिंटेक्स इसी तरह है, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं करते हैं। तो इसको जब लिखेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 आना चाहिए। तो इसको काउंट करेगा WORD 1 2 3 4, टोटल कितने कैरेक्टर हैं तो 4 हैं। ये सिंगल कैरेक्टर को, सिंगल जो वर्ड होता है उसी को लेता है विदाउट स्पेस। इसे दूसरा एक देखते हैं, लिखे काउंट और उसके बाद फिर हम लोग लिख दिए स्कूल। तो इसमें देखेंगे SCH OOL, टोटल है 6। तो इंटर जैसे ही करेंगे इसका आपको आंसर आएगा 6। ठीक है, तो अभी इस जैसे ये आउटपुट बॉक्स है, जब आपका भर जाता है तो ये स्क्रॉल बार आ जाता है, स्क्रॉल बार से हम लोग ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये देखने के लिए आउटपुट जो है आपको देखने के लिए, तो अभी हम लोग कुछ कमांड पढ़े। जैसे सबसे पहले पढ़े थे हम लोग राउंड कमांड, ठीक है, उसके बाद हम लोग SQRT स्क्वायर रूट कर लिए, इसको ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज़ करते हैं। राउंड कमांड जो है किसी भी फ्रैक्शन में जो भी नंबर है डेसिमल वाला नंबर उसको नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करने के लिए राउंड कमांड का यूज़ करते हैं। उसके अलावा तीसरा जो कमांड हम लोग पढ़े थे इंट पढ़े थे, इंट क्या करता है कि वो इंटीजर पार्ट को अलग करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना देखे थे, किसी भी नंबर का पॉजिटिव वैल्यू कितना होगा वो आपको बताता है। और लास्ट में हम लोग देखे थे काउंट, जो कि आपके टेक्स्ट का जो भी वर्ड लिखे हैं उस वर्ड में कितने कैरेक्टर हैं उसको काउंट करता है। उसका लिखने का सिंटेक्स होता है काउंट लिखते हैं, स्पेस लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं, उसके बाद नंबर लिखते हैं या जो भी कैरेक्टर लिखना है वो लिखेंगे और इंटर बटन प्रेस करते हैं। यहाँ स्पेस नहीं देते, इंटर बटन प्रेस करेंगे और इसको क्लोज भी नहीं करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग कुछ और भी कमांड हम लोग देखे थे जो मैथमेटिकल फंक्शन जो बेसिक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को हम लोग लोगो कमांड की मदद से और लोगो ऑपरेटर की मदद से, यानी कि पॉजिटिव प्लस का सिंबल या फिर माइनस सिंबल या एस्ट्रिक सिंबल या स्लैश बैक स्लैश का यूज़ करके हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का यूज़ हम लोग किए थे। ठीक है, तो ये सब एक्स्ट्रा कमांड है जो लोगों में हम लोग यूज़ करते हैं। तो इन सभी को आप लोग रिवाइज करेंगे और भी जो भी पीछे का जो वीडियो है उसको आप देखिए। एक और कमांड है, जैसे कि अब अगर आपको अभी क्लोज करना है, क्लोज करने के लिए बताए थे फाइल में जाकर एग्जिट पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप क्लोज बटन का भी यूज़ करते हैं। एक और कमांड है, जैसे कि हम लोग यहाँ टाइप किए BY लिख करके जैसे ही आप इंटर करेंगे तो क्या होगा कि आपका MSW लोगो क्लोज हो जाएगा। क्लियर।